आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम प्राकृतिक संपदा या अंग्रेजी में नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम पृथ्वी पर प्राकृतिक संपदा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पृथ्वी पर जो प्राकृतिक संपदा है उसे हम तीन प्रकार में बांट सकते हैं। पहला यानी कि स्थल या अंग्रेजी में लैंड। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को हम स्थल मंडल या अंग्रेजी में लिथोस्फियर कहते हैं। दूसरा है जल या अंग्रेजी में वाटर। पृथ्वी के 75% भाग पर जल है। यह भूमिगत जल के रूप में भी पाया जाता है। यह सभी को हम मिलकर जल मंडल कहते हैं। तीसरा भाग है वायु या अंग्रेजी में एयर। सबसे पहले हम वायुमंडल या अंग्रेजी में एटमॉस्फेयर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वायु जो पूरी पृथ्वी को कंबल के समान ढके रहती है उसे हम वायुमंडल या अंग्रेजी में एटमॉस्फेयर कहते हैं। यह बहुत सी गैसों जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि के मिश्रण से बनी हुई है। यहाँ पर वायुमंडल में गैसों के बारे में जानकारी दी गई है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है और बहुत कम मात्रा में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी और गैसेस होती है। अब हम जलवायु के नियंत्रण में वायुमंडल की भूमिका के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वायुमंडल धरती का सही तापमान बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाता है। दिन में वह तापमान को अधिकतर बढ़ने से रोकता है और रात में अधिकतर कम होने से रोकता है। यह करने में ग्रीन हाउस गैसेस का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह गैसेस गर्मी को कैद करने की क्षमता रखते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस के कुछ उदाहरण हैं कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है पवन या अंग्रेजी में विंड्स। पवन वायुमंडल में हवा गर्म होने के कारण और जल वाष्प या वाटर वेपर बनने के कारण होता है। स्थलीय या जलीय भाग से होने वाले विकिरण के परावर्तन या पूर्ण विकिरण के कारण वायुमंडल गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण वायु में संवहन धाराएं या अंग्रेजी में कन्वेक्शन करंट्स उत्पन्न होती है। कन्वेक्शन करंट्स के कारण जो हवा गर्म हो जाती है वो ऊपर की तरफ हिलना शुरू कर देती है जिसके कारण नीचे केवल ठंडी हवा बच जाती है। जैसे इस चित्र में दिखाया गया है यहाँ पर दिन में जो धरती होती है धरती या स्थल होता है वो जल से ज्यादा अधिक गर्म हो जाता है जिसके कारण हवा जल की तरफ चलना शुरू हो जाती है। पर रात के समय स्थल पानी से जल से जल्दी ठंडा हो जाता है जिसके कारण जो तुम्हारे संवहन धाराएं हैं उनके कारण वायु जल से स्थल की तरफ हिलना शुरू हो जाती है। यह सब देखने के बाद हम वायु में समस्याएं या वायु प्रदूषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जीवाश्म ईंधन या अंग्रेजी में फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोयला या पेट्रोलियम के जलने से नाइट्रोजन और सल्फर के विभिन्न ऑक्साइड्स वायु में जाते हैं। अगर ऐसा वायु सांस के रूप में शरीर में जाता है तो वो हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है और ये ऑक्साइड्स बारिश या वर्षा के साथ मिलकर एसिड रेन के रूप में नीचे आते हैं जो हमारे लिए और हमारी चमड़ी के लिए बहुत ही घातक हो सकते हैं। जीवाश्म ईंधन का दहन वायु में निलंबित कणों की मात्रा बढ़ा देता है। निलंबित कणों को हम इंग्लिश में या अंग्रेजी में पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। इसके कारण लंग कैंसर जैसी समस्याओं की संख्या आज बढ़ चुकी है। वायु के बाद अब हम पानी की तरफ देखेंगे।
कोई भी जीवित प्राणी जल के बिना जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि हमारे शरीर में सारे कोशिकीय प्रक्रिया है जलीय माध्यम में ही होती है। जल पृथ्वी का 75% बनाता है। यह मुख्य तौर पर समुद्र में पाया जाता है। समुद्र में पाया जाने वाला पानी खारा होता है, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में नमक होता है। स्थलीय प्राणियों को जीवित रहने के लिए शुद्ध पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारा शरीर इतनी मात्रा में नमक को सहन नहीं कर पाता। अब हम जल प्रदूषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जब जल में अनैच्छिक पदार्थ मिल जाते हैं, तो हम उस जल को प्रदूषित कहते हैं। यह पदार्थ पीड़कनाशी या किसी उद्योग में इस्तेमाल किए जाने वाले विषैले पदार्थ हो सकते हैं। दूसरा, जब इच्छित पदार्थ की मात्रा जल में कम हो जाती है, तो हम ऐसे जल को प्रदूषित कहलाते हैं। जैसे अगर जल में मिले हुए ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो इससे जल में रहने वाले जातियों की संख्या कम हो जाएगी। तीसरा, जब जल का तापमान बढ़ने लगता है, जलीय जीव जिस जलाशय में रहते हैं, वे वहां के विशिष्ट तापमान से अनुकूल होते हैं। जो अगर तापमान में परिवर्तन आता है, तो उनकी जान को खतरा हो सकता है और उनकी संख्या कम हो सकती है। अब हम जलीय चक्र या अंग्रेजी में वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। पूरी प्रक्रिया को जिसके द्वारा जल जल वाष्प या अंग्रेजी में वाटर वेपर बनता है और फिर वर्षा के रूप में सतह पर गिरता है और फिर नदियों द्वारा समुद्र तक पहुंच जाता है, जलीय चक्र कहलाता है। यहाँ पर सबसे पहले पानी समुद्र से वाष्पीकरण से जलवाष्प बनकर आसमान में जाता है। यहाँ पर इस जलवाष्प का संघनन होता है, जिससे हमें बादल मिलते हैं। अब बादल से वर्षा होती है। वर्षा से जो पानी आता है, वो नदियों द्वारा समुद्र में जाता है और यह चक्र बार बार दोहराता है। अब हम नाइट्रोजन चक्र या अंग्रेजी में नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। यह गैस जीवन के लिए आवश्यक बहुत सारे अणुओं का भाग है, जैसे प्रोटीन, डीएनए, आरएनए आदि। पर जो नाइट्रोजन वायुमंडल का 78% होता है, वो हम इस रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें इसे इस्तेमाल करने के लिए तोड़ना जरूरी है। पृथ्वी पर यह काम कुछ नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरियो का होता है। यह बैक्टीरिया या तो स्वतंत्र रूप से जिंदा होते हैं, या तो किसी द्विबीजी पत्रों पौधों के कुछ स्पीशीज के साथ पाए जाते हैं। यहाँ पर एक नाइट्रोजन साइकिल या नाइट्रोजन चक्र का एक चित्र दिखाया गया है। जब वर्षा होती है और बिजली कड़कती है, तो वायु में बहुत अधिक ताप हो जाता है, जिसके कारण जो तुम्हारा हवा वायु में नाइट्रोजन यानी कि N2 होता है, वो नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड में परिवर्तित हो जाता है और जिस रूप में वह धरती या स्थल पर आ जाता है, स्थल पर वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में परिवर्तित हो जाता है, जिससे जो बैक्टीरिया होते हैं वो अमीनो एसिड्स में परिवर्तित कर लेते हैं, जिसके द्वारा प्रोटीन बनाए जा सकते हैं। फिर यह प्रोटीन को हम अलग-अलग कार्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम ओजोन परत या अंग्रेजी में ओजोन लेयर के बारे में पढ़ेंगे। यह वायुमंडल के ऊपरी भाग में पाई जाती है। यह ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल यानी कि O3 का बना होता है। यह मनुष्यों के लिए जहरीला होता है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों को अवशोषित करता है और इसे मनुष्यों तक पहुंचने से रोकता है। अगर यह हानिकारक विकिरण मनुष्य तक पहुंच जाए, तो मनुष्यों को बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे कि स्किन कैंसर। पर मनुष्य द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के यौगिक जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में स्थिर रूप से उपस्थित होते हैं।
यह ओजोन के साथ मिलकर ओजोन परत में छेद करते हैं। इससे जो सूर्य की हानिकारक विकिरण है वो धरती तक पहुंचने में सक्षम हो जाती है और इससे धरती और मनुष्य दोनों को बहुत नुकसान हो सकता है। हाँ मुझे जान शांति से सुनने सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।